हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लड़कियों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारी क्रीम जो प्राइमर को टक्कर देगी। अब प्राइमर को टक्कर नहीं, वो प्राइमर ही बन जाएगी आपकी लाइफ में। जब आपका प्राइमर मतलब खत्म हो जाता है, आपके मेकअप किट में रखा हुआ हो, डैमेज हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, आपके पास था और किसी ने मांग लिया है, और जब आपको तैयार होना है और आपके पास है नहीं, तो आप DIY क्रीम बना सकते हो जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बड़ी ही आसान सी एक क्रीम है जिसे आप घर बैठे बना सकते हो और तुरंत अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। कोई डैमेज नहीं होगी, आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश रहेगी, मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपके फेस में जो ओपन पोर्स होते हैं, फाउंडेशन और बाकी चीज़ें जो मेकअप में यूज़ की जाती हैं, वो आपके स्किन में धंस जाती हैं और उसके बाद एक्ने की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उससे भी आपको निजात मिलेगी क्योंकि वो आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगा। तो चलिए जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हमें चीज चाहिए। उसमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, बड़ी आसान सी क्रीम है, आपकी जिंदगी भी आसान बन जाएगी और महंगे महंगे प्राइमर भी आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उस क्रीम को आप डेली बेस पे भी लगा सकते हो आराम से, ठीक है? तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो क्रीम बनाने के लिए चाहिए पहले हमें एक खाली डिब्बी, ठीक है? आपके घर में कोई भी डिब्बी पड़ी होगी, क्रीम की डिब्बी होती है, कैसी भी पड़ी हो, आप साफ करो उसे अच्छे से, ठीक है? क्लीन करो, डिटॉल विटॉल में धो के आराम से साफ करो और उसके बाद उसे क्रीम रखने लायक बनाओ, ठीक है? पहले हमें ये डिब्बी चाहिए एक बिल्कुल खाली, देख मैंने भी वो साफ कर रखी है, ठीक है? और फिर हमें चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का मैंने ढक्कन खोला हुआ है। ओके, तो हम फुल भर के एक चम्मच एलोवेरा जेल लेंगे, ठीक है? अब हम लेते हैं। हाँ जी, तो दूसरी चीज है हमारी ग्रीसलीन, ठीक है? अब हम इसका ओपन करेंगे, इसे हम 2 से 3 चम्मच हमें डालनी है, ठीक है? इसमें एलोवेरा जेल के अंदर 2 से 3 चम्मच, ये हमारा काफी है, ठीक है? आप जब जितनी भी क्रीम बना रहे हो, इस क्रीम को आप 1 महीना आराम से रख सकते हो स्टोर करके। आपको फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप कहीं भी रख लो, ठीक है? जहां पे आप मेकअप करते हो, मिरर के सामने रखते हो, ठीक है, वहां पे आप आराम से रख सकते हो, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, ठीक है? अब मुझे ये चम्मच चाहिए और मैं इसको मिक्स करूंगी। आप मेकअप करने से पहले, नहाने के बाद, मुंह धोने के बाद कभी भी लगा सकते हो, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होगी, ठीक है? आप अब इसे मैं मिक्स करती हूँ अच्छे से और फिर मैं मिलती हूँ। अब ये अप्लाई करने के लिए तैयार है। अब अप्लाई करके मैं आपको दिखाती हूँ हाथ पे, बहुत ही एकदम से देखिए क्लीन, नीट एंड क्लीन आपके स्किन को दिखा रही है, ठीक है? ऐसे छोड़ दो, मैं इसको ऐसे छोड़ती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ स्किन पे रिजल्ट, आप देख सकते हो। हाँ जी, तो मेरा हाथ ड्राई हो चुका है और आप देख सकते हैं, आप पे शाइन आई हुई है, ठीक है? क्लीन देखिए, पता चल रहा है कि अपने स्किन पे कुछ लगाया है जो आपकी स्किन को बिल्कुल स्मूथ कर रहा है, ठीक है? स्मूथ दिखा रहा है, ठीक है? शाइनी बना रहा है, ठीक है? क्योंकि देखो शाइन आ रही है, अच्छे से पता चल रहा है कि कोई क्रीम लगी हुई है। अगर आप बिना मेकअप के भी इसे दिन में कभी भी लगाओगे ना अपनी स्किन पे, तो आपको किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर समय क्रीम लगाना भी हमारी स्किन को डैमेज करता है। तो हमें अपनी स्किन को इतना डैमेज करने की जरूरत ही क्या है यार, हम कुछ चीजों से अपने लिए क्रीम बना सकते हैं, अपने हाथों से, जो हमारी स्किन को हेल्दी करेगी, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि एलोवेरा जेल हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और ग्रीसलीन हमारी स्किन को स्मूथ और मुलायम बनाती है। तो बस 2 चीजों को मिक्स करना है और अपना प्राइमर तैयार कर लेना है और अपनी जिंदगी को बहुत ही आसान तरीके से स्मूथली चलाना है और खुश रहना है। चलिए जी, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में मुझे याद रखिएगा। बाय।